जा रही हूँ लेट्रियम रेस्टोरेंट, और वहाँ जाके मैं आपके साथ अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। स्टे ट्यून फॉर द रिव्यू। सो गाइस, ये है लेट्रियम रेस्टोरेंट, और दिस इज़ मोर देन अ शादी वाइब्स, नॉट अ हाई टी रेस्टोरेंट, बिकॉज एवरी वन इज़ हेयर फॉर अटेंडिंग वलीमा और निकाह। सो साइड पे शादी हो रही थी, और एज़ यू कैन सी के आपको बहुत सारे लोग इधर शादी के कपड़ों में मिलेंगे। नो डाउट फूड वॉज यमी, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में था, लेकिन आई थिंक 1500 रुपये में आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट मिले जहाँ पर शादी हो रही हो। सो आपको ऐसा फील होता है जैसे बगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। लाइक आई एम टोटली ड्रेस्ड अप, और मैं यहाँ पर जब पहुँची तो एवरीबडी इज़ इन शादी वाले कपड़े, एंड हेयर आई एम, यू कैन सी मी बिकॉज मेरा ही ब्लॉग है। सो ओवरऑल मैं इसको दूंगी 10 में से 3 मार्क्स। 3 मार्क्स भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे इनका खाना पसंद आया था, लेकिन यहाँ का माहौल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। यहाँ पे लाइटिंग का बहुत इशू था, पिक्चर्स नहीं अच्छी आ रही थी, और वैसे भी अब ऐसे माहौल में कंफर्टेबल नहीं होते हो। आप लोग यही सोचते हो कि शायद हम किसी गलत शादी में घुस गए खाना खा रहे हैं। ऑल थ्रो आपने 1500 पे किया है इस फूड के लिए, जो कि आपको किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में, एक रेस्टोरेंट वाइब देने वाला रेस्टोरेंट, उसमें आपको फ़ूड मिल जाएगा। इस तरह का फूड अच्छा था, लेकिन ऑल थ्रो मुझे माहौल नहीं पसंद आया। सो हम लोग वहाँ से आ गए थे जी ओटिस में, और यहाँ पे आके हम लोगों ने कॉफ़ी पी थी, और इधर का माहौल मुझे ज़्यादा पसंद आया था। सो ओवरऑल मुझे लेट्रियम का सिर्फ खाना 3% ही अच्छा लगा था, बाकी तो आप इतना कुछ खा नहीं सकते, और माहौल भी ऐसा होता है कि आप बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हो। फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव मुझे ऐसा लगता है कि अगर शादी हॉल है तो वो सिर्फ एक शादी हॉल होना चाहिए, ना कि उसको कंबाइन कर लिया जाए कि वो एक रेस्टोरेंट भी और एक शादी हॉल भी हो। क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द पीपल जो कि हमारे जैसे टीनएजर्स होते हैं, फ्रेंड्स के साथ अगर कहीं जाएं तो ऐसा माहौल पसंद नहीं करते हैं। सो एज़ यू कैन सी कि ये थोड़ी सी मेरी पिक्चर्स हैं, होप कि आपको रिव्यू अच्छा लगा होगा। मेरी नज़र में अलग अलग होना चाहिए, एक ही चीज़ को दो में मर्ज नहीं करना चाहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।